टॉस कोणी जिंकला सर? आश्रे 11 टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा या ठिकाणी फैसला घेतण्यात आलेला आहे. चला 12 खेळू या. चला पुन्हा एकदा विनंती क्षमा असावी, पुन्हा एकदा फेरबदल होतोय. 3-3 षटकांचा हा सामना असेल याची दोन्ही प्रतिस्पर्धकांनी नोंद घ्यायची आहे. आयोजन कमिटीकडून पुन्हा एकदा सूचना आलेली आहे. सीकेएम बोरगाव विरुद्ध आश्रे 11 या दोन संघांदरम्यान स्पर्धेचा तिसरा सामना आणि दोन्ही संघ या ठिकाणी पहिला सामना जिंकून पुढे आलेले आहेत. पाहूया ही लढत अतिशय दोन्ही संघांसाठी पारदर्शक असेल, महत्त्वाची असेल. तर चला महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत विश्ववंद छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन पवित्र चरण कमलास वंदन करून, आज शनिवार आहे, बजरंग बलींचा दिवस आहे, मनोजवम मारुती तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. चला तर मॅचला पहिला चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज किरण. चलिए राउंड द विकेट. पहली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद डाली थी, जोरदार थप्पड़, वहां पर कोई भी रन नहीं. अच्छा क्षेत्ररक्षण सर्कल के अंदर. यहां पर देखो यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शक हमारे इस टूर्नामेंट का काफी आनंद ले रहे हैं. उन सभी दर्शकों को फिर से एक बार श्री केदारेश्वर चषक 2022 में हार्दिक सहर्ष स्वागत. राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जोरदार थप्पड़ गेंद जा रही है कवर पॉइंट को बीट करते हुए, दंदन आती हुई 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे च्या स्वरात अतिशय उत्कृष्ट असा नृत्य पाहायला मिळते आपणाला. पंच पंच भवर काळा चौकीहून आलेले हे पंच आहेत. अतिशय वेगळे पण काहीतरी दाखवण्याचा या स्पर्धेदरम्यान प्रयत्न दिसतोय. किरण की आगली गेंद, जयराज दो गेंद, तीसरी गेंद के लिए फिर से एक बार अच्छी गेंद और यहां पर स्टेट खेला एक रन का इसापा. इसी एक अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन. 3 गेंद पहली ओवर की, 3 गेंद समाप्त, 5 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं. अभी तक देखने चाहिए इस टूर्नामेंट के अंदर दोनों टीम प्रभावशाली टीम कहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीम अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार आज एक एक मैच जीतकर आगे है. जहां पर बात आ रही थी सबसे सतारा जिला के ग्रेट बल्लेबाज सतीश सनत जी, इनकी बल्लेबाजी हमने देखी, अभी बेहतरीन पारी खेली, 47 रनों का एक जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया और अभिजीत पारी खेलकर अपने टीम को मैच जीत कर लौट कर आए. ऐसे बल्लेबाज अगर हमारे सातारा क्रिकेट के अंदर है तो कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी. ओवर द विकेट अच्छी गेंद, ऑफ साइड की दिशा में गेंद को खेला, हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ पर सतीश सनत तैनात, एक रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी एक अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं. दोनों बल्लेबाज शांतता के साथ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच. मुझे लग रहा है कि ये मैच अगर 3 षटकों की है, 3 ओवर्स का मैच आप खेलते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
40 के आसपास स्कोर प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रखा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष में मुकाबला दो टीम के बीच देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलेगा। एक ओवर समाप्ति के बाद 6 रन कोई विकेट नहीं। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। आज के हमारे इस टूर्नामेंट के लिए अंपायर्स हैं जहां पर सुबोध घोड़से, मयूरेश भवर, अभय पाटोड़े, ये तीन अंपायर आज के दिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दर्शकों का आकर्षण केंद्र बनेंगे। ओवर द विकेट सतीश सणस गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं क्षेत्ररक्षण में, बदलाव जरूर। पावर प्ले का ओवर थी, उसके बाद पावर प्ले में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, जहां पर बात आ रही थी बोरगांव 11 CKM बोरगांव के दो योद्धा अभी भी मैदान के अंदर जारी है, लेकिन जो स्कोर चाहिए उस स्कोर के अगर ध्यान दे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आक्रमण की आवश्यकता। सतीश सणस टू जयराज, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, पहली गेंद, अंपायर देखो क्या स्टाइल कर रहे हैं, अच्छा डिसीजन वायर का इशापा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। सतीश सणस कहीं ना कहीं गेंदबाजी लाइन और लेंथ सूझबूझ के साथ अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त रन विपक्षी टीम के बल्लेबाज को अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ जाता, अगली गेंद के ऊपर निश्चित रूप से सेटल बल्लेबाज आक्रमण करने के लिए तैयार होता। और ये देखो आक्रमण ऑन साइड की दिशा में, गेंद को खेला डीप मिड विकेट के दरमियान, एक रन, दूसरा भी रन चाहते थे और इसी दो अंक से स्कोर पूरा करते हुए 2 रन। इसी 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अभी भी शांतता से क्रिकेट हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं जो कह रहा था कि आक्रमण की आवश्यकता, बोरगांव 11 KCM CKM बोरगांव के दोनों योद्धा को आक्रमण करना पड़ेगा, जहां पर सम्मान स्कोर अगर प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रखना है तो। ओहो, ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला, प्रहार में थोड़ा सा ताकत नहीं थी, तब तक चतुराई के साथ डीप मिड विकेट के दरमियान एक रन, दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरे और इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन कोई विकेट नहीं। 2 रन अभी तक, इस 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन कोई विकेट नहीं। 2 गेंद, तीसरी गेंद फुलटॉस गेंद, यहां पर अच्छी गेंद थी, थोड़े से छेड़छाड़ करने का प्रयास था, रिवर्स स्वीप खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सतीश सणस के खिलाफ अगर आप रिवर्स अटेंड करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसी को कहा जाता है, उसके ऊपर आप प्रभावशाली रिवर्स स्वीप स्ट्रोक नहीं गिर पाते। चलिए अगली गेंद, सतीश सणस अभी तक 3 गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन कोई विकेट नहीं। दूसरी ओवर की 3 गेंद समाप्त, अगली गेंद के लिए सतीश टू दशरथ, और ये जोरदार स्ट्रोक कैच के लिए मौका, लेकिन देखना चाहते कैच छूटा, सपना भी टूटा और गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। 6 रन, ओके, बढ़िया डिसीजन, कैच छूटने के बाद सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, इसी 6 रन के साथ 17 रन। अगली गेंद सतीश सणस के ऊपर आक्रमण, ओहो बड़ा आक्रमण, देखो इस बार गेंद जा रही है फिर से एक बार काउ कॉर्नर के ऊपर से तन्नर आती हुई 6 रनों के लिए। गौरी गौरी मोरी गौरी मांडवा खाली, धन्यवाद डीजे, बड़ा छक्का, लगातार 2 गेंद के ऊपर सतीश सणस के ऊपर जोरदार आक्रमण, उस बल्लेबाज को पूरी तरह से जानकारी होगी सतीश इसी प्रकार से हमारी पिटाई करेंगे तो पहले ही हम सतीश की पिटाई क्यों ना करें, यही एक संकेत मन के अंदर धारण किया होगा। फिर से एक बार लेग बाइज के रूप में रन लेने का कोशिश था लेकिन मना किया,
बोल्ड विकेट क्लीन बोल्ड दशरथ बैक टू द पेवेलियन। दशरथ अपने व्यक्तिगत 15 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। दो ओवर समाप्त, 23 रन एक विकेट की नुकसान। चलिए तीसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं ये देखना पड़ेगा। एक गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी। पहली गेंद से बोरगांव 11 के योद्धा आक्रमण कर पाएंगे या गेंदबाज अपना फिर से एक बार मैच में कमबैक करने का प्रयास। दो ओवर समाप्त, 23 रन एक विकेट की नुकसान। नहीं बल्ले 5 नितिन। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए बॉलिंग मार्क पर नितिन सड़स ओवर द विकेट। नितिन की पहली गेंद, ओहो नितिन के ऊपर ये देखो आक्रमण गेंद जा रहे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर तन्न आती हुई 6 रनों के लिए। गेंदों पे 3 छक्कों का सिलसिला अगर जयराज आप मारते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर अजित वरे वाई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इनके माध्यम से 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय है तो कोई बात नहीं, 1000 रुपया जरूर देंगे और वो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा बल्लेबाज को यहां पर जयराज को। ओहो देखो जयराज इस बार काफी समय हवा में नो मैन्स लैंड के अंदर गेंद गिरती हुई 1 रन पूरा दरमियान दूसरा भी रन शॉर्ट स्क्वायर लेग के दरमियान 2 रन का इछापा। इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है 31 रन। चलिए अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। मैंने पहला ही कहा था मैच के प्रारंभ में अगर आप 40 के आसपास स्कोर प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रखते हो तो कहीं ना कहीं मैच में काफी रोमांचकता देखने के लिए मिलेगी आने वाले समय में, जहां पर देखना पड़ेगा। अगली गेंद तीसरी गेंद के लिए फिर से एक बार नितिन 2 जयराज, ओहो बढ़िया स्ट्रोक इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रन 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए 3 गेंद समाप्त, अभी तक स्कोर काफी दमदार हो रहा है, मजबूत सो स्कोर यहां पर 37 रन 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद चौथी गेंद के लिए फिर से एक बार नितिन कहीं ना कहीं यहां पर बदलाव करते हुए परिवर्तन राउंड द विकेट नितिन 2 जयराज देखना पड़ेगा। ये काफी भटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड की तरफ से 1 रन का इजाफा। इसी अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, जहां पर देखना पड़ेगा नितिन टू जयराज। अच्छी गेंदबाजी का फिर से एक बार प्रयास करना पड़ेगा नितिन को। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, थोड़ा सा गेंद ने काटा बंदला, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी तरह से गेंदबाजी करे तो काफी टीम के लिए एक आशा का उम्मीद निश्चित रूप से बनती रहेगी। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है, देखना पड़ेगा नितिन टू जयराज क्या करते हैं। राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी, स्लोअर यॉर्कर गेंद कोड़ा या यहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 रन पूरा दरमियान खतरा और इसी के साथ अंपायर उंगली खड़ी विकेट का पतन।
चलिए इस ओवर की अंतिम गेंद नितिन टू पंकज। चलिए दोनों टीम के बीच यहां पर संघर्ष फिर से एक बार देखने के लिए सभी दर्शकों को मिल रहा है, मैच में काफी मजा आएगी। नितिन टू नहीं बल्लेबाज पंकज, देखना पड़ेगा पंकज अंतिम गेंद, नितिन को सामना करना पड़ेगा पंकज को। नितिन के ऊपर हमला हो सकता है या एक गोल्डन सिक्स या अच्छी गेंद, नितिन को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बल्लेबाज को यहां पर गेंद को घुमाया, एक पैर हवा में छूटता हुआ, दूसरा पैर जमीन पर संतुलन बनाया, गेंद को मोड़ा, फैन लेग सीमा रेखा के ऊपर दनदनाती हुई छह रनों के लिए इस छह अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन।
महेश सनस और सतीश सनस ये दो बल्लेबाज के बीच यहां पर देखना पड़ेगा अपने टीम को 46 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर और लेग स्टंप के काफी बाहर यहां पर देखना पड़ेगा वाइड का इशारा। इसी अतिरिक्त रनों के सहायता से एक अंकों से स्पीड से एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलकर 3 रन चला। यानंतर पुढचा सन्मान असेल अक्षय चोरट यांनी देखील आपली इथे उपस्थिती दर्शवलेली आहे त्यांचा देखील इथे आपण सन्मान घेऊया। अक्षय चोरट साहेब आपण इथे आलात आपल्या स्पर्धेनिमित्त आणि या स्पर्धेची भव्यदिव्य अशी शोभा वाढवण्याचा प्रयत्न केलात त्याबद्दल अकबाई माता युवा प्रतिष्ठान आपले हार्दिक सहर्ष स्वागत करत आहेत। शाल श्रीपाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपला इथे सन्मान होतोय। चलिए अगली गेंद ओवर द विकेट पुलटॉस गेंद कवर के ऊपर से खेला गेंद जा रही काफी रफ्तार के साथ अपने लक्ष्य की ओर तन्नराती हुई 4 रनों के लिए। डीजे त्याबरोबरच अभी चोरट यांचा देखील इथे सन्मान होतोय। आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून शालश्रीफळ पुष्पगुच्छ असं या सन्मानाचं स्वरूप आहे। यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल डुईची वाडी विरुद्ध डीसीसी जांभळी या दोन संघांचे संघनायक टॉस का बॉस या मंचावरती थोड्याच कालावधीमध्ये आपण उपस्थित राहायचं आहे। चलिए अगला ये चालू मुकाबला बोरगाव विरुद्ध आसे ये दो टीम के बीच बोरगाव 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 46 रनों का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक 7 रन कोई विकेट नहीं कोई नुकसान नहीं। ओहो क्या फैंटेस्टिक स्ट्रोक गेंद जा रही कवर पॉइंट के खिलाड़ी को बीट करते हुए आपने निश्चित स्थान किया और 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। सतीश सनस आज कुछ रोकने का नाम नहीं ले रहे। पहले मैच में हमने देखा कि सतीश सनस काफी रोमांचक पारी खेले थे 47 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी की थी। आज देखना पड़ेगा इस मैदान पर इस मैच के अंदर और यहां पर 40 प्लस खनसोली ने मुंबई के इस भव्य दिव्य स्टेडियम के अंदर सतीश सनस फिर से एक बार दूसरी मैच में क्या कर पाएंगे अपने टीम को जहां पर 46 रनों का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्या करेंगे। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी गेंद को मोड़ा फैनलेक्सी मारे खाके बाहर 4 रनों के लिए स्वीप किया अच्छा स्वीप तालमेल के साथ समझदारी के साथ। त्याबरोबरच या ठिकाणी किशोर कोंडाळकर साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे त्यांचं देखील इथे आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून शाल पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मान करण्यात येतोय त्यांचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। किशोर कोंडाळकर साहेब आलेत का आणि त्याबरोबरच रवी जाधव साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे त्यांचं देखील या मंचावरती हार्दिक हार्दिक सहर्ष सहर्ष स्वागत। चला मॅच कडे वळूया पुन्हा एकदा आणि त्याबरोबरच पुढचा सन्मान असेल प्रसाद जी चोरट साहेब यांचं देखील इथे आगमन आहे। प्रसाद जी चोरट साहेब आपण इथे आलात आपली बहुमूल्य अशी उपस्थिती या ठिकाणी प्रार्थनीय होती अत्र आपला सन्मान। टॉस गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर डीप एक्स्ट्रा कवर के दरम्यान गेंद को खेला कहीं ना कहीं पावरफुल स्ट्रोक नहीं था सन्मान दिया। सोलह रन कोई विकेट नहीं कोई दबाव नहीं सर सलामत तो पगड़ी 50 दोनों बल्लेबाज देखना पड़ेगा ये चाहत है ये उम्मीद है जहां पर सतीश सनस मैदान के अंदर जब तक है तब तक तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को पता है मैच किसी भी हालात में खींचने की क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर है एबिलिटी है विश्वास है शक्ति है और प्रेरणादायी स्कोर करने की क्षमता भी है। वर्दी विकेट ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के दरमियान थोड़ा सा हल्का सा मिस क्षेत्र रक्षण तब तक चतुराई के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट कहना पड़ेगा। सतीश सनस काफी चित्त
चिंता की तरह दौड़ते हुए, मुझे लग रहा है कि और दूसरा बल्लेबाज उस जगह पर होता तो आउट के लिए खतरा था। आणि यानंतर होणारा पुढचा सन्मान असेल हितेश कळंबे साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील इथे या व्यासपीठावरती शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मान करण्यात येतोय, त्यांचा त्यांनी इथे स्वीकार करायचा आहे। हितेश कळंबे 18 धावा एक षटकांच्या समाप्तीनंतर। चला तर टीम मीटिंग थोडस घेऊ नका, एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा, कोणताही गडी बाद नाही है। एक ओवर समाप्ति के बाद 18 रन, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं, दोनों बल्लेबाज यहां पर देखना पड़ेगा। बोरगांव 11 ने एक जबरदस्त स्कोर रखा था, मैंने कहा था कि 40 के आसपास, तो 40 पार करने का यहां पर एक निर्धारित प्रयास किया और सम्मानित स्कोर जहां पर 45 रन रखा, और इस 45 रन का चेस करने के लिए यहां पर आश्रय 11 के दो योद्धा अभी भी कड़ी धूप यहां पर मैदान के अंदर जारी है, सूरज भगवान की कड़ी रोशनी, और इस रोशनी के कहीं ना कहीं खिलाफ शरीर को प्रतिकार करना पड़ता है, तो पानी की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि पानी ही जीवन है प्यारे दोस्तों। थोड़ी सी चोट लगी होगी सतीश सणस, थोड़े से समय ले रहे। एक ओवर समाप्ति के बाद 18 रन प्यारे दोस्तों, आज आईपीएल का पहला दिन होगा। 18 सुयश बेलोसे साहेब, सुयोग बेलोसे साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। सुयोग बेलोसे साहेब आपला देखील इथे पुष्पगुच्छ शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात येतोय, त्यांचा आपण स्वीकार करायचा आहे। प्रमोद धोंडेजी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील इथे हार्दिक सहर्ष स्वागत असेल, यांचं देखील पुढच्या सत्रामध्ये सन्मान होईल। चलिए दुसरी ओवर की प्रारंभीय गेंद लेकर आते हुए पंकज 18 रन प्यारे दोस्तों। 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल सीजन को पहला प्रारंभ हुआ था, अभी 15वां सत्र चलता हुआ आज के दिन आईपीएल का प्रारंभ होगा। चलिए तो निश्चित रूप से यहां पर आश्रय 11 विरुद्ध केसीएम बोरगांव, ये दो टीम के बीच बड़ा और कड़ा संघर्ष प्यारे दोस्तों, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हमारे राष्ट्र के पिताजी राष्ट्रपति यहां पर अब्दुल जी कलाम कहते हैं कि जितना कड़ा संघर्ष करोगे जीत उतनी ही आसान बन पाती है, तो जीत को आसान में कन्वर्ट करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आंसर की दिशा में गेंद को खेला, एक रन का इजाफा सतीश सणस के माध्यम से, कुल मिलकर स्कोर 19 रन। जीत के लिए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए केसीएम बोरगांव 11 के हर एक योद्धा ने अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार एक बेहतर पारी खेली थी और एक बड़ा लक्ष्य, सम्मानित लक्ष्य जहां पर 40 रन रखा था, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभी भी कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं, दोनों बल्लेबाज जैसे थे। महेश सणस सतीश सणस दोनों बल्लेबाज, महेश अभी तक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। ओहो बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद जा रही लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के ऊपर तन्नराती हुई 6 रनों के लिए। कोई विकेट नहीं। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर जोरदार आक्रमण महेश के माध्यम से, महेश यानी शंकर, शंकर यानी केदारेश्वर, शंकर जी का काफी नाम है प्यारे दोस्तों, तो शंकर महेश ने अपना जबरदस्त आक्रमण के लिए फिर से एक बार विपक्षी टीम के ऊपर चेतावनी दी थी, और ये जबरदस्त अपील, अपील के ऊपर उंगली खड़ी, विकेट का पतन, महेश बैक टू द पेवेलियन। अभी तक 25 रन आश्रय 11 विरुद्ध बोरगांव, सीकेएम बोरगांव, ये दो टीम के बीच अभी भी संघर्ष जारी है, दोनों टीम को ये मैच जीतना
काफी महत्वपूर्ण है। सतीश सणस अभी भी कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत 14 रनों पर खेलते हुए, कहीं ना कहीं सतीश सणस को गियर चेंज करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। यहाँ पर सभी दर्शक सतीश सणस की बल्लेबाजी देखने के लिए यूट्यूब के माध्यम से भी हर एक दर्शक प्रेरित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर सतीश को उसी प्रकार और सावधानी के साथ अपने टीम को जहाँ पर जीत की आवश्यकता हमने देखा, प्रथम बल्लेबाजी करते हुए दशरथ ने जबरदस्त योगदान दिया था, जयराज ने भी जबरदस्त पारी खेली थी। इस बार गेंद को मोड़ा, पॉइंट लेग सीमा रेखा के करीब, दो खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद अपने सम्मानित स्थान की ओर, चार रनों के लिए। क्या बात है, खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन। धन्यवाद। 29 रन एक विकेट के नुकसान, 29 लॉस ऑफ वन विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। चलिए गेंदबाज यहां पर पंकज, पंकज अभी तक तीन गेंद पूरे करते हुए, पंकज की अगली गेंद सामना करने के लिए नए बल्लेबाज तैयार, और आते आते ही उन्होंने चार रन का इजाफा प्राप्त किया थोड़े से सफल होते हुए। ओहो क्या बैठक शॉट, गेंद जा रही है किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में से, ये प्रोडक्ट तैयार होता है उसी प्रकार, गेंद को भेजा फिर सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। रन, पांच गेंद अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद, पांच गेंद, इस गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि अंतिम गेंद है। इस गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार या बड़ा अच्छी गेंद, क्या जबरदस्त गेंद डालने के बाद स्विंग हुई अंदर आई, अंदर की तरफ आने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ दो ओवर समाप्ति के बाद 35 रन एक विकेट के नुकसान, 11 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, 11 रन जीत के लिए 6 गेंदों का सामना अभी भी बाकी है, जहां पर देखना पड़ेगा सतीश सणस फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड की ओर बल्लेबाजी के लिए आए हुए हैं। देखना पड़ेगा सतीश सणस विरुद्ध गेंदबाज कौन आ पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। बोरगांव 11 के माध्यम से अंतिम ओवर महत्वपूर्ण ओवर रहेगी उनके लिए, काफी ये परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी इस मैच जीतने के लिए, दोनों टीम के लिए ये मैच जीतना काफी महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं, ज्यादा विश्वास टीम मैनेजमेंट के कप्तान किस गेंदबाज के ऊपर ज्यादा विश्वास जताते हैं, ये देखना पड़ेगा आने वाले 6 गेंद 11 रन आश्रय विरुद्ध बोरगांव। चलिए समय व्यर्थ ना करें प्यारे दोस्तों, सतीश सणस अपने व्यक्तिगत 14 रनों पर खेलते हुए, यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल मित्रांनो डीसीसी जांभळी विरुद्ध डुईचीवाडी, या दोन संघांचे संघनायक या आपण कुठे असाल आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आमचे सातारा जिल्ह्याचे एक ग्रेट समालोचक मराठी समालोचक निलेश मर्डेकर जी टॉस का बॉस या मंचावरती येणाऱ्या सत्रामध्ये आपल्याशी जोडतील। चलिए मैच्योर वर्ती विकेट नेवर की प्रारंभीय गेंद, विजय को अगर अपने टीम को विजय प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में विविधता लानी पड़ेगी। सतीश सणस जैसे महान बल्लेबाज आपके सामने तो क्या सवाल, ऑफ टॉस गेंद सतीश के लिए महंगा हो सकता, स्ट्रोक में प्रभाव नहीं था और इस बार सतीश बैक टू द पेविलियन। स्ट्रोक नहीं था, बल्ले का ऊपर का हिस्सा लगने के बाद सतीश सणस ठीक तरह से बल्ले पर गेंद को नहीं ले पाए और उसका लाभ निश्चित रूप से यहां पर सर्कल के अंदर कोई भी गलती ना करते हुए खिलाड़ी ने कैच लपका, सतीश को जाना पड़ा मैदान के बाहर। देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज नितिन, पांच गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार जहां पर बल्लेबाजी कर पाएंगे या विजय
अपना सिलसिला इसी प्रकार से जारी रखेंगे, ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में। पांच गेंदों का खेल बाकी है। विजय ने प्रभावशाली गेंदबाजी की, पहली गेंद पर अपना सम्मान प्राप्त करते हुए एक बड़ी मछली आपने जाल में फंसा दी, और इसी के साथ साथ पांच गेंद 11 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज प्रशांत खेलेंगे। प्रशांत तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने 10 रन व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत फॉर्म में है, कहीं ना कहीं एक छक्का एक चौका अगर आपके बल्ले से आता है तो कहीं ना कहीं फॉर्म कहना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्धारित 3-3 षटकों का मैच है। इस मैच में अगर 3-4 गेंद आप बेहतरीन खेलते हो तो भी आपका योगदान टीम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ओवर द विकेट विजय की अगली गेंद प्रशांत के लिए, पुलटॉस, और इस बार प्रशांत का प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं था। एक रन पूरे करते हुए कहीं ना कहीं स्ट्राइकिंग नो गेंद, और ये नौ के ऊपर फ्री हिट रहेगी। कुल मिलकर 2 रन इस गेंद के ऊपर। विजय कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी, पांच गेंद 9 रन की आवश्यकता। देखना पड़ेगा फ्री हिट नितिन क्या कर पाएंगे अपने टीम को। ओहो बढ़िया स्ट्रोक इस बार, खिलाड़ी नीचे, यहां पर कैच का मौका, लेकिन ऐसे कैच करते हो तो कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। और इसी के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन जीत के लिए, जहां पर 46 रनों की आवश्यकता थी। दो गेंद का अभी भी सामना पूरे कर पाए विजय, अच्छी गेंदबाजी, बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाबी की। उसी के बाद 9 गेंद डाला, उसका परिपूर्ण लाभ उठाया बल्लेबाज नितिन ने। देखना पड़ेगा अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है, 4 गेंदों के अंदर आप 9 रन बना पाएंगे तो बड़ा बड़ा 1-1 8 रन। ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जा रही है, दो खिलाड़ी को बीट करते हुए, कवर पॉइंट की खिलाड़ी को बीट करने के बाद काफी रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए। बॉल आवा है, चलो बॉल पटवा, 4 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। यहां पे प्रशांत निश्चित रूप से मैंने कहा था कि फॉर्म में, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की सतीत जाने के बाद भी उनके पास एक क्षमता है, एबिलिटी, और उसका परिपूर्ण लाभ उठाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को विजय ने फेंका था, और कोई भी गलती ना करते हुए जोरदार थप्पड़ लगाया और गेंद को भेजा पॉइंट कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ साथ मैच आसान कर दिया। संदेश जी पाटणे साहेब यांचं देखील इथे आगमन आहे, तर त्यांना देखील आम्ही निमंत्रित करतोय मंचावरती, या आपला हार्दिक सहर्ष स्वागत असेल। विजय अगली गेंद के लिए सामना करेंगे फिर से एक बार प्रशांत। प्रशांत अपनी व्यक्तिगत 15 रन पर खेलते हुए, ओहो प्रशांत के बल्ले से इस बार गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक रन पूरा, दरमियान दूसरा लेने का प्रयास था, लेकिन दोनों बल्लेबाज के बीच देखो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, स्लो एंड स्टडी विन इन द रेस इसी को कहा जाता है। शांतता से और संयम से अगर आप लक्ष्य की ओर पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं हितकारक माना जाएगा। बड़ी समझदारी से सूझबूझ के साथ यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, जहां पर देखना पड़ेगा विजय की। दो गेंद बाकी, दो गेंदों में नितिन के सामने एक गेंद काफी महत्वपूर्ण, दो गेंद तीन रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। देखो टिट फॉर टैट, मैंने कहा था कि प्रारंभ में इतना अगर आप प्रथम बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य रखते हो तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य का पीछा करते समय मैच में रोमांचकता प्राप्त होती है, और इस बार गेंद को फेंक दिया, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, आउट ऑफ द बाउंड्रीलाइन, 6 रनों के लिए ग्रेट सिक्स। मैच यहां पर जीता आश्रय 11, मैन ऑफ द मैच इस बार प्रशांत की यहां पर चयन की गई है। प्रशांत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, अपने टीम को एक तरफा मैच जिताने के लिए जोरदार युद्ध किया, और इस युद्ध में
मैच जीतने के लिए बड़ी सफलता प्राप्त की। इसी के साथ साथ अगला मुकाबला हुआ यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल मित्रांनो डीसीसी जांभळी विरुद्ध डुईचीवाडी या दोन संघाचे संघनायक टॉस का बॉस या मंचावरती निलेश मर्डेकर सर यांच्या सोबत जोडले जातील।